हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आलू टिक्का बनाने वाले हैं। तो हमने 1 kg आलू ले लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश करके हमें इसे बॉईल कर लेना है। तो चलिए इसको हम बॉईल कर लेंगे। और ये हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, अब इसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे। अब इन आलूओं को हम कद्दूकस से इसको कद्दूकस कर लेंगे। हमें कद्दूकस के पतले साइड से इसे कस नहीं करना है, इसे हमें मोटे साइड की तरफ से रगड़ना है। तो ये हमारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं, और इसे कद्दूकस करने से इसमें गांठें नहीं रह जाएंगी। मैश करने के बाद इसमें गांठें रह जाएंगी तो हमारे पकौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। आलू को मैश करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे कद्दूकस कर लें, इससे ये बिल्कुल फाइन लेयर निकलेगी। और इसे बिल्कुल मैश करने में या आपको पकौड़ी बनाने में या पराठे बनाने में ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो आज हमें इन आलूओं के ऊपर अरारोट का पाउडर अच्छी तरीके से मैश करना है, इसका कोई डो नहीं बनाना है। और तो चलिए स्टार्ट करें। आज हम आलू की पकौड़ी को आपको दो तरीके से बनाना बताएंगे, एक बगैर भरवा पकौड़ा और एक दाल भर के पकौड़ा बनाना बताएंगे। तो यदि आपको दाल भर के पकौड़ा नहीं बनाना हो तो आप इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल सकते हैं। हरी मिर्च, लहसुन, नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, हींग, काला नमक, धनिया पाउडर, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के आप इसका बॉल बना लें। और उसको ऐसे ही फ्राई करके आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको नॉर्मली भी बताऊंगी बनाना, और इसको दाल में भर के कैसे बनाते हैं आलू टिक्का उसकी भी बताऊँगी कि किस तरह से बनता है। अब इसको हम इस तरह से बॉल बना लेंगे, गोले बना लेंगे। इसको ऐसे रोल करके, हाथों को गैप करके बीच में, इसको हर तरफ से इसे प्रेशर से दबा के इसको गोला बना लेंगे। तो ये हमारे बॉल बन के रेडी हैं। इसको हम हाफ फ्राई कर लेंगे, फिर देन जब सर्व करना होगा तो इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारे सारे गोले बन के तैयार हैं। और अब चलिए दाल भरवा पकौड़ी भी आपको टिक्का बनाना भी बता देते हैं कि दाल भर के इसको कैसे बनाते हैं। इसको हमें बहुत ही हल्के हाथों से उठाना है, प्रेशर करके उठाएंगे तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे, इसलिए इसे हमें बहुत ही धीरे धीरे वो करना है। इसको हम देखिए हाफ फ्राई करके निकाल ले रहे हैं, इसमें हमने दाल नहीं भरा हुआ है। चलिए अब दाल भर के आपको बनाना बताते हैं। आटे के गोलों को जो हमने बनाया था उसको बीच में शेप करके इसको हम कटोरी शेप में ऐसे कर देंगे। अब इसके अंदर हम दाल भर देंगे और इसको चारों तरफ से लॉक करके बंद कर देंगे। ये देखिए दाल भर के रेडी हैं। अभी किसी तरफ से ये दाल नहीं निकलने वाले हैं। ये हमने इसको डीप फ्राई कर लिया है। अब हम इस एक कॉटन का कपड़ा लेके इसको दोनों हाथों से इसको टिक्की शेप में दबा देंगे। ये देखिए इसे हम गोलों के रूप में भी रख सकते हैं, इसे हम इसे एज ए टिक्की के टाइप में इसको हम ऐसे दोनों कपड़ों के बीच में रख के कॉटन के, और इसको दोनों हाथ से प्रेस कर देंगे और ये टिक्की शेप में चिपटा हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब चलिए हम ये दाल भर के जो हमने बनाए थे अब इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद इसे ऐज से ही सर्व कर सकते हैं। आप इसे दही डाल के भी सर्व कर सकते हैं, मीठी चटनी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। आपको जिस तरह से खाएंगे ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, अरारोट पाउडर डालने की वजह से ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये हमारी सारी टिक्की बनके रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी यम्मी टिक्की बनके तैयार हुई है। चलिए अब हम इसे
सर्व कर देते हैं। आप इसे दही के साथ, आपको जो पसंद हो आप उसके साथ इसको ऐसे ही खा सकते हैं आप चाय के साथ, लेकिन मैं इसको दही डाल के सर्व कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर दही डाल दिया है, थोड़ी सी मीठी चटनी डाल देंगे और थोड़ी सी खट्टी चटनी डाल देंगे इमली की। आप इसे धनिया और मिर्च की ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, हरी चटनी के साथ ये बहुत ही यम्मी लगेगी। अब इस पे हम थोड़ा सा भुना जीरा, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी क्रिस्पी टिक्की, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।